इलेक्शन वाले दिन हुआ, ज़ाहिर है उसकी सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए, और मेरा ख़्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सईद गनी भाई और उनकी पूरी टीम इस मसले को देखेगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए, और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चलें, और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बलदियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है। यकीनन जमात इस्लामी के कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, जिसका बरमला इजहार भी करते रहे। हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक है वो करें, और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। हमने ये भी तय किया है कि इन तमाम इशूज़ को इंशाल्लाह ताला खुशसलूबी से तय करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल न्यूज़ लाइन 1।